श्वेता और भारती की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, हर्ष की और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और हम चारों की भी बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप है, और अब तो दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं। के बारे में कुछ बताइए, और आपने इस शो को क्यों चुना? कॉन्सेप्ट तो आप देखते देखते ज़्यादा समझेंगे। बजिंगा जो है प्राइमरली इट्स अ गेम शो, और इसे कहा जा सकता है एक फैमिली गेम शो, एक ऐसा गेम शो है जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, जहाँ पर अपने परिवार के साथ आप खेल सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। आई थिंक पहली बार मैं एक गेम शो को होल एंड सोल होस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसे कई गेम शोज को होस्ट किए हैं और साथ ही साथ पार्टिसिपेट भी किया है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग अ गेम शो। क्यों चुना? फर्स्टली जी और मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। माई स्टार्टेड माई करियर एज एन एडल्ट थ्रू जी टीवी, सारेगामा पा 2007 में मैंने होस्ट किया था, और अब हम 2023 में हैं, तो हमारा हम 16 साल से एक दूसरे की जिंदगी में हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एंड यू नो इट्स लाइक फैमिली टू मी। मैंने ऑलरेडी सारेगामा पा से अपना डिपार्चर अनाउंस कर दिया, तो फिर हमने सोचा अरे अब क्या करेंगे तो अब हम बजिंगा कर रहे हैं। बट नो, इन ऑल सीरियसनेस, यू नो आई एंजॉय वर्किंग विद जी, आई एंजॉय वर्किंग विद कंटेंट टीम जो शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं। कुछ एपिसोड्स के लिए मेरे जो को होस्ट हैं वो मेरे भाई मिस्टर हर्ष लिम्बाशिया हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं जब किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहता हूँ तो मेरा नंबर वन आउटलुक ये है कि इट शुड बी फन, मज़ा आना चाहिए, हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, और इतनी अच्छी टीम है तो हम अपने काम को एंजॉय करेंगे। जब हम एंजॉय करते हैं तो यहाँ पर जो फैमिलीज आती हैं गेम्स खेलने के लिए वो एंजॉय करेंगे, जो हमारे दर्शक हैं जो घर पे फैमिलीज देख रही हैं वो एंजॉय करेंगे। इट ऑल स्टार्ट्स विद अस हैविंग फन। तो आप कितने एक्साइटेड हैं हर्ष के साथ को मतलब होस्ट करने के लिए ये शो? जी बिल्कुल, फिलहाल तो हर्ष कुछ एपिसोड्स के लिए हैं हमारे साथ, होपफुली अगर एवरीथिंग वर्क्स आउट आते जाते रहेंगे, या तो शायद जाएंगे ही नहीं। हर्ष मतलब दोस्त है, मेरा भाई है। भारती और हर्ष मेरे यू नो पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स हैं, यू नो नॉट जस्ट ऑन अ प्रोफेशनल स्पीयर। हम एक्चुअली पड़ोसी हैं, आजू बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हैं, और एक 2018 से हमने एक साथ काम करना शुरू किया। इनफैक्ट उससे पहले भी थोड़ा बहुत मिलना जुलना रहता था, बट यू नो एक बार आप किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, और यू नो श्वेता और भारती की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, हर्ष की और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और हम चारों की भी बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप है, और अब तो दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, और बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एंड यू नो आई वुड ऑल्सो लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी सिंपल पीपल। तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एक दूसरे के साथ जिंदगी में शेयर करते हैं, तो मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, और कहीं ना कहीं हमारी एक जो प्रोफेशनल पर्सनल कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लाइफ में दोस्ती है, केमिस्ट्री है, वो थैंकफुली टीवी पे स्क्रीन पे ट्रांसलेट करती है, तो इसी वजह से आई थिंक लोग हमें साथ में देखना पसंद करते हैं। तो बजिंगा जैसे एंटरटेनिंग गेमिंग रियलिटी शो से ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? फन, नॉनसेंस, मस्ती, ओके ऑफकोर्स बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो लोएस्ट बिडर होता है और जो सबसे यूनिक बिडर होता है वो इस गेम को जीतता है, और कहीं ना कहीं आई थिंक इस बजिंगा जो ऐप है उसका भी यही फंडा है। और इंडिया में ऑलमोस्ट फ्री या फ्री की चीज़ें किसे अच्छी नहीं लगती हैं, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप कितना भी पैसा कमा लें, नाम इज्जत शोहरत कमा लें, बट वो जो एक फीलिंग होती है कुछ फ्री में पाने की या कुछ भारी डिस्काउंट में पाने की, आई थिंक हम सब यू नो वी आर ऑल, इंडिया को द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहते हैं, यू नो इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, और कहीं ना कहीं हम सब की जो शुरुआत और परवरिश है वो मिडिल क्लास से ही हुई है, तो हम कितने भी बड़े हो जाएं और कुछ भी हो जाए बट वी लव फ्री स्टफ। जैसे हमें आज तक, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है जितनी मुझे उसके गिफ्ट्स की होती है, जब मुझे कोई एक
छोटा सा गिफ्ट भी देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट ये लोगों को इसे देखने में और इसमें पार्टिसिपेट करने में दोनों में बहुत ज्यादा मजा आएगा। So, जैसा कि आपने बोला कि आप अभी पेरेंट बने हैं जी, सो बेबी के साथ पर्सनल लाइफ आप अपने काम के साथ पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं और उसके साथ वक्त कैसे बिताना पसंद करते हैं? ऑनेस्टली अब मैं क्या होता है कि आपने सही कहा है कि यू नो देयर आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि हम अपनी टाइम और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, यू नो ऐसा नहीं कि आपको 23 मिलते हैं और मुझे 28 मिलते हैं, हम सबको उतना ही समय मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं लगती हैं उनको ज़िंदगी से निकाल दिया,